बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे MCQs यूनिट नंबर 1 के, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चलें स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन ए है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑप्शन बी है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ऑप्शन सी है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑप्शन डी है अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन चार में से कौन सी एग्जाम्पल है, सोचिए और आंसर दीजिए। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन ए को। MCQs नंबर 2 है आपके पास। इफ द मास ऑफ द बूब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल बी। पेंडुलम का जो बूब है, जो मैस है, जो लटका हुआ है स्ट्रिंग के साथ, अगर उसके मैस को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए 3 गुना, तो पेंडुलम की जो मोशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। ऑप्शन ए है बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, रिमेन द सेम, बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इसको क्यों चूज किया। एज यू नो, इसका जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, पेंडुलम के टाइम पीरियड का, वो होता है टी इज इक्वल टू 2π L/g। आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर मैस का जिक्र कहीं भी नहीं है, मतलब कि टाइम पीरियड डिपेंड करता ही नहीं है मैस पर। मैस को कम किया जाए या बढ़ा दिया जाए, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो इसलिए हमने टिक किया था ऑप्शन बी को, रिमेन द सेम। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी डिवाइस यूज की जा सकती है जो कि प्रोड्यूस करे ट्रांसवर्स वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए है अ स्ट्रिंग, ऑप्शन बी है अ रिपल टैंक, ऑप्शन सी है अ हेलिकल स्प्रिंग, ऑप्शन डी है अ ट्यूनिंग फोर्क। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अ हेलिकल स्प्रिंग, सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने ऑप्शन सी को चूज क्यों किया। ये देखें, यहाँ पर एक स्लिंग की हेलिकल स्प्रिंग है हमारे पास। अगर हम इसको खींचते हैं इस तरफ, मतलब इस तरह से अगर मूव कराते हैं, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी, कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। अगर हम इसको वर्टिकली मूव करते हैं, स्प्रिंग को यहाँ से पकड़कर ऊपर नीचे करते हैं, तो इसमें जो वेव पैदा होंगी वो कौन सी वेव पैदा होंगी, ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी। तो इसीलिए हमने ऑप्शन सी को चूज किया, अ हेलिकल स्प्रिंग को हम यूज कर सकते हैं दोनों तरह की वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। MCQs नंबर 4, वेव्स ट्रांसफर, क्या चीज ट्रांसफर करती हैं वेव्स। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी वेलोसिटी। वेव ट्रांसफर करती हैं किस चीज को, सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को। यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए एनर्जी, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, सो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को। MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है कौन सा मेथड है, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन या फिर ऑल ऑफ अबव। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सो हम चूज करते हैं ऑप्शन डी को। MCQs नंबर 6, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज सेम रखती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं होती। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी है वेवलेंथ। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं।
जब वैक्यूम में वो ट्रैवल करती हैं कोई पार्टिकल नहीं होगा, वेव्स किसी भी पार्टिकल से टकराएंगी नहीं और चलती जाएंगी अपनी एक स्पीड के साथ, सो स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी। सो हम ऑप्शन ए को चूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7। अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, वेलोसिटी क्या होगी वेव की, उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी है 30 हर्ट्ज और प्रोड्यूस क्या कर रही है 25 कंप्लीट वेव्स और उसका डिस्टेंस क्या है इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सो चूज कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो हम चूज करते हैं ऑप्शन डी को। अब मैं आपको बताता हूँ कि 15 हर्ट्ज हमारा आंसर कैसे आता है। हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट या फिर ट्रफ। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 है और लैम्डा आपके पास 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपके पास 1500 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड और लैम्डा का यूनिट आपके पास है सेंटीमीटर। सो 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी है वेवलेंथ। सोचिए और टिक कीजिए राइट ऑप्शन को। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए एम्पलीट्यूड। सो हम टिक करते हैं ऑप्शन सी को। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऑप्शन सी को चूज क्यों किया। एज यू नो दिस फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी वेलोसिटी या फिर हम कहेंगे स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आ गया वेवलेंथ। तो यहाँ देखें स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। सो इसीलिए हमने सी को चूज किया। एमसीक्यूज नंबर 9। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए है वी एफ इज इक्वल टू लैम्डा, ऑप्शन बी है एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, ऑप्शन सी है वी लैम्डा इज इक्वल टू एफ, ऑप्शन डी है वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एफ। चूज कीजिए राइट आंसर को। यहां आपका राइट आंसर होना चाहिए वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को। सो बच्चों ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।